Hello and welcome in the Abhimanyu IAS again. My name is Pravesh Vats and I welcome you specifically in my series on YouTube, which is series on concepts in polity, जहाँ हम हर हफ्ते अलग अलग टॉपिक्स पे पॉलिटी के बात करते हैं, ऐसे टॉपिक्स पे जो काफ़ी एसेंशियल होते हैं, ना केवल एक एस्पायरेंट को समझने के लिए बट एज ए नॉर्मल सिटीजन को समझने के लिए. तो आज एक दूसरे कंसेप्ट पर मैं आया हूँ, जो है नेचुरल राइट्स वर्सेस फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स से बहुत सुना है, नेचुरल राइट्स क्या होते हैं, क्या कोई रिलेशन है? रिलेशन है तो वो क्या है, हर चीज़ पे हम आज देखते हैं. एंड बिफोर दैट वी आर टारगेटिंग IAS सिविल सर्विस एग्जाम 2023 और 24 के लिए, इन विच वी आर प्रोवाइडिंग प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस इंटीग्रेटेड कोचिंग टू द स्टूडेंट्स फॉर 2023 एंड 24 इन बोथ ऑनलाइन एज वेल एज इन ऑफलाइन मोड. And since I am the senior faculty here for Indian Polity and Governance, तो मैं Indian Polity module को deal करता हूँ, which is for both pre as well as for mains. I cover prelims part as well as the GS2 part, which is completely a paper for Polity. And since it is started, so those students who wants to take a free trial, I am giving 3 days free trial of my Indian Polity classes, specially here in the Abhimanyu IAS. So those students who want to join, दे मे कॉल ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर. और इसका डिस्क्रिप्शन लिंक भी इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. सो लेट्स मूव ऑन आर टॉपिक टूडे. सेलेंट फीचर्स ऑफ नेचुरल राइट्स. नेचुरल विच मीन्स आम, एक तो ये भी है, और एक नेचुरल जो नेचर ने दिया, और एक नेचुरल जो हम जब नेचर में रहते थे तब आए, राइट? सो दीज आर द डिफरेंट वेरिएशन ऑफ नेचुरल राइट्स which we have been provided by the nature when we used to live in the state of nature and all of these things. So, ek ek karke sari cheezon pe dekhte hain. They are the naturally gifted to individuals by God or nature. Some people consider the superpower as God. Some consider this superpower as nature. So, it is for both that these natural rights are gifted to that superpower, whether you call state, whether you call God, or whether you call nature. आप उसे भगवान कहें, आप उसे प्रकृति कहें, दोनों ने ही जो हमें कुछ ऐसे राइट्स हैं दिए हुए, तो उनको हम नेचुरल राइट्स मानते हैं, जो हमें गिफ्ट दिया भगवान ने. देन नॉट डिपेंड ऑन लॉ, कस्टम ऑफ एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट और यू नो रिलीजन. ये ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी कानून ने हमें नहीं दिए. कोई कानून जो राइट्स देता है ये वो नहीं है, ये कुछ अलग है. ये प्रकृति के हम भाग हैं, वी आर द पार्ट ऑफ दिस प्रकृति, और उस प्रकृति ने हमें कुछ दिया हुआ है, वो होते हैं नेचुरल राइट्स. लीगल राइट्स तो लॉ देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, राइट? सो दीज आर नेचुरल राइट्स. उसके बाद ये यूनिवर्सल होते हैं, परमानेंट एंड ट्रांसेंडेंटल, विच मीन्स हर किसी को ये प्रोवाइड किए गए हैं. जो भी इस प्रकृति में जन्म लेता है, एवरी सिटीजन, एवरी इंडिविजुअल इज यू नो हैविंग दीज नेचुरल राइट्स. ट्रांसेंडेंटल एंड परमानेंट, कोई छीन नहीं सकता आपसे ये राइट्स, राइट? इनको अलग नहीं किया जा सकता एक आदमी से, अगर किया तो इसका मतलब आप प्रकृति के खिलाफ चले गए, राइट? देन अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट. हमारे यहाँ पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे एरिस्टोटल, उन्होंने कहा था कि लॉजिकली तो नेचुरली तो आदमी पहले आता है स्टेट से, बट लॉजिकली स्टेट पहले आता है. सो हम यहाँ एरिस्टोटल के पहले वाले पॉइंट को समझते हैं कि नेचुरली तो आदमी पहले आता है, और ये रियलिटी है कि सबसे पहले आदमी ही तो पैदा हुआ. अलग अलग राष्ट्र, अलग अलग देश, अलग अलग टेरिटरी तो हमने निर्माण की, जैसे हमने सोसाइटी निर्माण की, उसके बाद हमने स्टेट निर्माण किया अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए. और इसीलिए दे आर अवेलेबल टू इंडिविजुअल्स बिफोर द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट. ये देश, ये समाज, ये राष्ट्र बनने से पहले ही हमारी प्रकृति ने हमें ये अधिकार दिए हैं, राइट? दे इंक्लूड राइट टू लाइफ, जिंदगी जीने का अधिकार, आजाद रहो, प्रॉपर्टी पे रहो, राइट? सो दीज आर द नेचुरल राइट्स. यहाँ भी है, फैमिली में रहो, प्रैक्टिस रिलीजन लाइक वी यूज टू प्रैक्टिस आर रिलीजन इन द नेचुरल यू नो वे. प्रकृति की पूजा ही करते थे, सो दैट वॉज आर राइट, राइट? हड़प्पा सभ्य था, राइट? सो ऑल दीज आर दी सेलियंट फीचर्स ऑफ द नेचुरल राइट्स, की प्रकृतिक अधिकार क्या हैं एक प्रकृतिक इंसान के,
क्योंकि वो प्रकृति में जन्मा इसलिए, राइट। अब डील करते हैं प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स, बोले तो कौन कौन से वो फिलोसफर्स थे या कौन कौन से ऐसे पॉलिटिकल प्रोपाउंडर्स थे जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया। सो फर्स्ट वी हैव द रूसो, जीन जैक रूसो, ही वॉज अ नेचुरलिस्ट। इन्होंने कहा कि प्रकृति ने एक इंसान को फ्री बनाया था, बट सिंस हम मॉडर्न हो गए, सिंस हम रीजन सोचना रीजनेबल हो गए, तो हमारी वो आज़ादी खत्म हो गई, हम अपने प्राकृतिक रूप में नहीं चल पाते, राइट। और इन्होंने एक बात ये भी कही थी कि मैन वॉज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेंज, राइट। प्रकृति ने तो सबको आजाद बनाया था, प्रकृति ने तो सबको नेचुरल राइट्स दिया था, आजाद रहना, खुश रहना, बट वी हैव बिकम सो मॉडर्नाइज्ड कि हमने वो अपना प्राकृतिक राइट उसको देखना ही छोड़ दिया, उसको समझना, उसको महसूस करना ही छोड़ दिया, राइट। देन जॉन लॉक एंड जॉन स्टुअर्ट मिल, राइट। इन्होंने कहा जॉन लॉक की ये भी नेचुरलिस्ट है, इन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे राइट्स दिए जो नेचुरल होते हैं, जिनको लोग छीन नहीं सकते हैं। एक तो जीने का, एक सुरक्षा से रहने का, और दूसरा प्रॉपर्टी का, राइट। इन्होंने कहा ये तीन ऐसे राइट्स हैं जो नेचर ने हमें दिए और इनको कोई अलग नहीं कर सकता है, राइट। आई एम राइटिंग लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इन्होंने कहा तीनों ही चीज़ें आर वेरी इंटेग्रल फॉर अ ह्यूमन टू लिव इन नेचर, बिकॉज नेचर इट सेल्फ हैज प्रोवाइडेड ऑल दीज थ्री राइट्स। देन जॉन स्टुअर्ट मिल, इन्होंने कहा कि आप सब सही बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ कि क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल राइट। इन्होंने कहा कि मैं अगर मैं बोल ही नहीं सकता हूँ, अगर मैं व्यक्तित्व ही नहीं दे सकता हूँ अपना किसी को, तो वो कैसे मेरा प्रकृति के हिसाब से रहना हुआ, राइट। बर्ड्स चिरपिंग, जो बर्ड्स होते हैं वो भी चिरपिंग करते हैं, एनिमल्स आल्सो यू नो द बार्क, वो भी बोलते हैं। तो एक इंसान को भी बोले बिना आप कैसे कह सकते हैं कि ही इज इंजॉइंग हिज लाइफ। सो इन्होंने अपने अलग अलग पर्सपेक्टिव दिए और आखिरी में यही रिजल्ट आया कि नेचुरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हमारी प्रकृति ने हमें दिए, वो अलग नहीं होते, सबको प्रदान किए जाते हैं एंड इंजॉयबल बाय ऑल, राइट। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स, राइट। We study in our constitution also, specifically in India, कि भाई article 12 से 35 fundamental rights deal करते हैं, equality भी है, liberty भी है, justice भी है, religion के भी rights हैं, children's के भी rights हैं, transgenders के भी rights हैं, right? So ये तो हैं, but our primary task is to understand the essence of the philosophical part of fundamental rights. So what are fundamental rights? They are the constraints on the ability of individual. बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज अ पॉलिटिकल एंड सोशल एनिमल। हर इंसान अगर उसको बांध कर ना रखा जाए तो वो एक जानवर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा अपनी प्राकृतिक राइट्स के बिहाफ पर, राइट। वो कहेगा कि मुझे प्रकृति ने कहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, इसका मतलब मैं किसी की जान भी ले सकता हूँ, बट फंडामेंटल राइट सेज दैट वी विल पुट कंस्ट्रेंट, हम बाधा डाल देंगे आपके उस प्राकृतिक राइट पर अगर आप ऐसा कुछ करने की सोचते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट्स एक कॉन्स्टेंट होते हैं किसी इंडिविजुअल की एबिलिटी पर। दो व्हेन वी रीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन तो वो ये भी कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स स्टेट या गवर्नमेंट की पावर्स को भी लिमिट करते हैं, वो तो है ही है, लेकिन ऐसे इंडिविजुअल्स की पावर्स को भी लिमिट करते हैं जो आपके राइट्स को हर्ट करना चाहते हैं। देन रीडिस्ट्रीब्यूट कैप्चर्स ट्रांसफर पॉजिटिव एंटाइटलमेंट्स, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, द थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू लिव अ हेल्दी लाइफ, अ हैप्पी लाइफ, अ ह्यूमन लाइफ, फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड यू दैट। They redistribute in every citizen, every individual. They captures from the dominant and provide to the marginalized. They transfer positive entitlements to everyone. Understood? Then they are called fundamental because they are the gift of God, like natural rights, right? I will tell you within 2 or 3 minutes that what is the relation of fundamental rights with the natural rights. But here they are the gift of God, like natural rights. Then they are the part of natural rights and transcendental, which means they cannot be taken away from the individual because without them he will not be able to live his life. This is the meaning of transcendental. And second is natural rights.
So it is a very important line to be here, you know, to be learnt, is that every natural right is not a fundamental right, but every fundamental right is a natural right. यानी सारे प्राकृतिक राइट्स जो है वो फंडामेंटल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि किसी का जान लेना भी ये नेचुरल राइट है, बट दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल राइट. लेकिन जस्टिस की उपेक्षा करना, आज़ादी लेना, पीसफुल रहना, क्लीन एनवायरनमेंट में रहना, ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड हेंस दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचुरल राइट्स. सो अगेन आई एम रिटरेटिंग द सेम थिंग दैट एवरी नेचुरल राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, but every fundamental right is a part of a natural right. Then it is fundamental also because maintained by fundamental law of the land. In Indian constitution, or in Indian circumstance, we have Indian constitution which is the supreme law of the land. Hamara constitution sabse upar hai, to isi wajah se hamare constitution mein fundamental rights ka zikr hai, isi wajah se hum unko fundamentals bhi kehte hain, ki that is why they are also fundamental. They are fundamental because of two things. First, they are given by the God, and second, they are also given by the constitution. Then they promote political democracy. In our polity, in our system, they provide or they promote democracy. So fundamental rights hamari polity mein democracy ko uplift karne ka kaam karte hain, right? Equality pradan karte hain, liberty dete hain, unity. They provide a sense of brotherhood, commonness, oneness, and that is why the fundamental rights are promoting sovereignty, integrity also of the country. Then they prevent arbitrariness of the law and tyranny of the executive, which means that any authority or any government by making a law cannot take your fundamental rights. And if they will take your fundamental rights with the using of that law, then that law will be subjected to judicial review of your Supreme or High Court. And if that will not be meeting the demands of the fundamental right, the judiciary will make that null and void and unconstitutional, right? But it is also preventing the tyranny of the executive. Any executive action, right? Any police action, any magistrate action, any bureaucrat action, any cabinet action cannot take your fundamental rights, right? So these are the few notions and the salient features of fundamental rights which I mentioned. And I hope what is the difference between natural rights and fundamental rights is enough, you know, dealt here and cleared to you. So we'll meet on the next day on the next topic. Thank you so much.